प्रिंस पाइप को लेकर के सवाल है, और ये सवाल पूछा है सिमर सिद्धू जी ने। 3-4 साल का नजरिया क्या, इसमें अभी यहाँ नया पैसा लगाया जाए और 3-4 साल रुका जाए तो ठीक रहेगा? इनका नंबर शायद ठीक नहीं आया था, एक बारी मैं क्विकली देख लूं। प्रिंस पाइप्स, हाँ नंबर्स ठीक नहीं आए थे, और इनके देखिए पाइप फिटिंग, सेरामिक्स, टाइल्स, ये सब में प्रॉब्लम यही है कि ये बहुत ही आपका आने वाले समय में इसका कंजम्पशन, ये बहुत फ्यूचरिस्टिक इन नेचर है ये सेक्टर, लेकिन फिलहाल इन पे कहीं ना कहीं थोड़ा सेल्स का इश्यू दिख रहा है, और ये जो वैल्यूएशन पे चले गए हैं उसको सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनके नंबर्स जब तक पलटते नहीं है थोड़ा सा केयरफुल तो रहना चाहिए। टेक्निकली भी देख लेंगे कि इनके प्राइस लेवल्स कैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ से मुझे वैल्यूएशन का इश्यू जरूर लगता है, बिकॉज दोनों क्वार्टर में नेगेटिव सेल्स ग्रोथ दिख रहा है, मार्च क्वार्टर में भी, दिसंबर क्वार्टर में भी। तो ये चीज़ थोड़ी डिमांड डिमांड सिनेरियो को ज़रूर चैलेंज करती है। बाकी इतना भी ऑपरेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा कोई खराबी नहीं है कि बहुत नेगेटिव बोला जाए। तो नेट नेट जो हमको कंक्लूजन निकालना है वो कंक्लूजन सिर्फ वैल्यूएशन का निकालना है, बाकी फ्यूचर में इस सेक्टर का कोई खराबी तो नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा अंदाजा है। तो अब प्रिंस पाइप में जब तक नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे, आपको 3-4 साल वाला व्यू लेने के पीछे या तो अच्छे वैल्यूएशन लेवल का वेट करना चाहिए या एक अच्छा रिजल्ट का वेट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो इसका अच्छा थोड़ा रिलेटिव बेटर वैल्यूएशन कहाँ रहेगा, मेरा अंदाजा है कि अभी का क्लोज है इसका 615, एंड अगर इसको 20% का डिस्काउंट दिया जाए तो करीब करीब आप समझें कि 500 के आसपास, 500 के आसपास का कोई भी नंबर इसमें आपको सेफ्टी देगा। वहां जाएगा नहीं जाएगा मुझे इसकी इसका कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जो आपको सेफ्टी देगा वो बता रहा हूँ। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है जी कि 600 के नीचे इसका करेक्शन बड़ा वाला थोड़ा सा और शुरू हो जाएगा, उसके पहले तो नहीं होगा, चाहे मैं जितना भी कह लूँ करेक्शन नहीं होगा। वैल्यू आपको मिलेगा 500 के पास, सेफ्टी 500 के पास मिलेगी, लेकिन 600 के पहले कोई करेक्शन होगा नहीं, उसके नीचे करेक्शन होगा, और कम से कम 50 से लेके 100 रुपये तक का करेक्शन हो जाएगा। तो अब आप अभी लेना चाहते हैं, मेरा ऐसा कहना है कि थोड़ा एक तो 4 तारीख के पहले कोई काम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है अब, और दूसरा लेना भी है तो आप थोड़ा इसका नीचे लेवल देख लें तो वो सेफ्टी बेहतर रहेगी। फिर भी अगर कुछ करना है तो 600 नंबर ध्यान रखिएगा, 600 के नीचे वीक हो जाएगा, बाकी तब तक सब कुछ ठीक है। जी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर अभी है ना, ये 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास है जो एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। तो आपके पास 10 रुपये का स्टॉप लॉस है 600 रुपये वाले शेयर में, अगर इसको ध्यान में रख करके ये कोई बेट लगाएं, दाव लगाएं तो कैसे रहेगा? नहीं, मैं रिजल्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा, इसलिए मैं यहाँ पे बेट नहीं लगाना चाहता किसी भी तरीके से, और इस लेवल पे मुझे सेफ्टी नहीं दिखती। अगर मुझे बेट लगाना भी है तो मैं 600 का स्टॉप लॉस लूँगा और इसको क्रॉस होने दूंगा 666 वाला, जो 660 665 वाला जो रेंज है, वो 200 DMA है, वो क्रॉस होने दीजिए, फिर कॉन्फिडेंट हो जाइए। उसके पहले कॉन्फिडेंट होना मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट देता है। जी, तो अभी फिलहाल ऊपर ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज, ये जो लाल लकीर है, और नीचे ये बैंगनी रेखा 50 दिनों का मूविंग एवरेज है, इसके बीच में जब तक ये सैंडविच है तब तक बहुत ज्यादा कुछ करने लायक इसमें नहीं दिखेगा, ऐसा लग रहा है सुमेश जी की बातों से। बाकी फिर इस बातचीत को आप एक इनपुट की तरह से लें, ये कोई आपके सामने बना बनाया प्रसाद नहीं है कि बस इसी को आप सीधे उठाइए चरणामृत समझ करके सिर पे लगा लीजिए। आप अपना रिसर्च कीजिए इसके आगे, इस बातचीत को एक इनपुट की तरह से समझते हुए, और फिर अपना रिसर्च करें, अपनी खोजबीन करें, पढ़ाई लिखाई करें चीज़ों को समझ करके, और ज़रूरी लगे तो एक पेशेवर सलाह लेकर के फिर आप बाजार में काम करें, ये बेहतर तरीका हमेशा रहेगा।